गुड आफ्टरनून. मेरा परिचय देना तो जरूरी नहीं है. ज़्यादातर मेरा डॉक्टर नाम है डॉक्टर मोटा. मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, नेचुरोपैथ हूँ और बोन सेटर और फिटनेस एक्सपर्ट ट्रेनर हूँ. आज का हमारा सब्जेक्ट है टुडे फ्रोजन शोल्डर. वो कैसा होता है, क्यों होता है, उसके ऊपर है. अच्छा, अभी देखा जाए तो फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी बीमारी है वो जिसको होता है उसी को ही पता है कि क्या क्या तकलीफ है, कितनी सारी मुसीबतें हैं, कैसे झेलते हैं, क्या करते हैं. तो पहले मैं जो मेरे पास से क्योर हुए हैं रिसेंट में, तो उनको मैं बुलाता हूँ. फ्रोजन शोल्डर का बोलेंगे, कविता जी पहले आप आइए. बोलिए. नहीं, बोलने के बोले तो फ्रोजन शोल्डर हुआ था और 2 महीने में जो हुआ ना, 8-10-16 सेशन में कंप्लीट हो गया. ओके. हाँ, बैठ बोलिए. पकड़ा. मुझे फ्रोजन शोल्डर हुआ था अबाउट 5-6 months अगो और मैंने फिजियोथेरेपी किया और 2-3 जगह पे, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं. फिर ऐड आया था पेपर में इनका, तो मैं वहाँ गई और उन्होंने थोड़ा एक्सरसाइज सिखाया और थोड़ा उनके पास मशीन है जो लगाए और उसे धीरे धीरे फ़ायदा होने लगा. और मेनली एक्सरसाइज भी जो इन्होंने बताया सब, अगर टाइम से बराबर करेंगे तो बहुत फ़र्क आया. अभी मेरा हाथ एकदम फुल ऊपर जाता है. तो ये सब अभी वो फर्स्ट टाइम है, वो बोल नहीं रहे ज़्यादा, पर उसमें इतनी सारी मुसीबतें होती है फ्रोजन शोल्डर में कि लोग उसके लिए इतना सब जगह घूमते हैं, फिर भी कहीं से भी जाओ 50% हो जाता है क्योरेबल. फिर रिटर्न वही का वही आ जाता है, वही पेशेंट कंटाल जाता है. तो इसके अंदर क्या होता है कि आप कई लोग रोज ट्रीटमेंट देते हैं पर एक बार, पर सबसे ज़्यादा इसके अंदर इस एक्सरसाइज इसके अंदर मेन है. वैसे तो इसके कई ज़्यादा कारण हैं होने का. जैसे हम लोग है, हाथ कभी पीछे लेते नहीं हैं, ज़्यादा पीछे यूज़ करने का सब बंद हो गया है हमारा हाथ. मेनली रीजन सबसे बड़ा जो है वो. फिर सर्वाइकल का है, इंजरी है, कभी मार लगा रहा और हम लोगों ने देखा नहीं, आस्ते आस्ते थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे जाने का बंद हो कर देते हैं, वो सब चीज़ है. तो अगर इसके अंदर कारण देखने जाएं तो इसके तो अनलिमिटेड है, उसके ऊपर मत जाएं. हम लोग प्रैक्टिकल अभी देखें कि उसको आता है तो क्योर कैसे करने का, उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करें, फोकस डालें. तो पहले प्रैक्टिकल इसकी एक्सरसाइज है. और जब ये पोस्चर चेंज होता है तो थोड़ा बहुत तो सब हर एक को हाथ का ही रहता है. अभी जनरली जेंट्स का हाथ जो रहता है वो मसल्स टाइट रहते हैं, लेडीज़ के मसल्स लूज रहते हैं. तो जिसके मसल्स लूज रहेंगे वो खाली पेन रहेगा, उसका हाथ पीछे जाएगा मगर थोड़ा सा दर्द होएगा. और जिसका ये है टाइट है मसल्स, वो पीछे खींचेगा तभी पेन होएगा. तो पहले इसके अंदर सबसे पहले जो एक्सरसाइज आती है, मैं आपको सब समझाते आ रहा हूँ कि हमारा दिन दिन में हम पोस्चर, पहले हम जो हैंड यूज़ करते हैं खाली यहाँ तक करते हैं, यहाँ से हाथ नहीं चलता है, हम ऊपर हाथ लेते नहीं हैं. ऊपर हाथ नहीं लेने की वजह से ये जो पूरा इसका ये एंजेस जो है, जैसे दरवाज़ा है कि आपकी कोई भी खिड़की है, हाथ हर बार आधा आधा खोलोगे तो थोड़ा टाइम में जाम हो जाता है. तो ये एक कॉमन डिसीज़ है और उसके पीछे आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये किया वो किया वो किया, हर एक को आता है, थोड़ा बहुत तो हर एक को रहता है. पर मेन मैं इसकी एक्सरसाइज बता रहा हूँ क्योंकि आगे के टाइम पे मुझे बोले थे बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर कि सर आप लेक्चर मत दीजिए. हम लोगों ने सुन चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, देख के सब लोग फ़ोन करते हैं
कि खाली आप पहले एक्सरसाइज हमारे को बताइए। दोस्तों मैं फोकस रखता हूँ खाली एक्सरसाइज का मेन, अभी ये हैं आप आइए पहले आ जी। अभी इन अंकल को 2 महीना पहले मैं आया था, तभी काफ़ी घुटनों की तकलीफ थी, एक्सरसाइज बताया था। ये घुटनों का जो तकलीफ मेरे को होता था वो करीब करीब 60-70% क्योर हो गया इनका, जो बताया उसे अभी चालू रखा है। मेरे को आशा है थोड़ा दिन में ये भी अच्छा हो जाएगा, सब इसलिए काम करता है ऐसा है। डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर बोला वो घुटन बदलाना पड़ेगा आपको, ये जो घसारा हो गया है जिसको बोलते ना वो, तो दोनों बदलना पड़ेगा, चाहे दोनों साथ में कराओ चाहे एक के पीछे एक कराओ, दोनों का 1.25 लाख रुपया बोलते, दोनों ने 2.5 लाख रुपया होगा कहीं से। फिर मैं वो नहीं कराया, फिर यहाँ आके कराया। इसमें मेरे को 60-70% अभी अच्छा है, और भी अच्छा हो जाएगा ऐसा मेरे को आशा है। थैंक यू सर। ये सारा ये जो सब्जेक्ट है हमारा मेथड है खाली एक्सरसाइज का, आप जो कर रहे हो एक्सरसाइज जनरल वो एक्सरसाइज के ऊपर कुछ भी नहीं है जिसके ऊपर आप जैसे जान रहे हो। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी 2-3 कॉमन आती है मैं बता सकता हूँ, बाकी पेशेंट टू पेशेंट हम देखते हैं कि उसका जैसे एंगल है कैसा है क्या है, उसके ऊपर ये एक्सरसाइज दिया जाता है। तो मैं आपको पहले फ्रोजन शोल्डर है, गर्दन की तकलीफ है, ये सब है, इसके लिए पहले एक आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। आपको अभी देखने का है कि आपकी पीठ कितनी स्टीप है, अपने आप देख लीजिए, इमेजिंग करिए कि पीठ में कितना स्टीपनेस है, क्या है क्या नहीं है। पहले सब लोग आप चेक कर लो कि आपकी बैक कैसी है क्या है, और मैं एक्सरसाइज कराता हूँ उसके बाद में 15-20 जो कराया उसके बाद में आप चेक करो कि आपको बेनिफिट मिल रहा है या लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है चलिए। एक चेक करो ना आपको ये कितना टाइट है क्या नहीं है। हाँ हाथ लगाइए पैर लगाइए, पैर लग रहा है तो पैर लगा दीजिए तो भी चल जाएगा, उसमें कुछ हरकत नहीं है। हाँ आप चेक कर लो आपका सब, हाँ स्टीपनेस कितनी है क्या है स्टीपनेस, और मैं आपको एक्सरसाइज या आप चेक कर लो, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। योगिता जी शो करेंगे आएंगे क्या? ये देखिए, हाँ मैं इनके ऊपर एक्सरसाइज बता रहा हूँ, दोनों हाथ। हाँ आइए बताइए, इनको बताइए हाथ का। हाँ ये पहली एक्सरसाइज एक कॉमन है, जितना आप पीछे ले सको। हाँ हाथ ऐसे 1 ये 10 करने का है, 2, 3, 4 हाँ टाइट पकड़ने का बस करो। हाँ हाँ 5, 6 हाँ ये टाइट ऐसे, करिए सब पीछे सपोर्ट। किया हाँ, अभी एक बार रेस्ट लीजिए, फिर 10 करिए, फिर वही 10 करिए, सेम करिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हाँ अभी आप चेक कीजिए आपका सबका शोल्डर कैसा, देखो स्टिफनेस कम हुआ, देखिए जरा
थोड़ा सा किसको लिटिल बिट लग रहा है, किसको 5% 10% जितना जितना तो ये अभी ये पूरा सारा दिन ये जो हाथ है ये जितने आप ऊपर खींचते जाएंगे तो यहाँ से लेके एक मिनट आप बैठ बैठ जाइए ओंकार कम करो हाथ हाथ ऊपर करो। अब ये पूरा हाथ है आपका, ये दिन भर में आप जो झुक रहे हो आपका प्रेशर यहाँ आ रहा है तो ये पोस्चर सबका टाइट होएगा। आप चेक करोगे तो आपको लगेगा कि पेन हो रहा है ये सब। जनरली देखा जाए तो कई हार्ट के पेशेंट आते हैं बोलते एंजाइना होता है, ये होता है, वो होता है। तो कई लोगों का यंग एज है जिसका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड कुछ भी नहीं है और उनको हार्ट का पेन होता है। तो मेनली हम देखा जाता है तो बहुत केस के अंदर 10 में से 5 में से खाली ये मसल्स लूज होते हैं, इसके लिए उनको पेन होता है। तो कई सारे हैं फिर वो मसल टाइट होते हैं पूछते हैं कभी तो बोलते हैं पेन नहीं है। जिसका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड कोई भी हार्ट का किसी का भी कुछ भी रिपोर्ट नहीं नॉर्मल है वो आदमी का है। अभी अभी ये जितना आप पीछे लेके जाओगे जितना पीछे लेके नहीं ना हाँ ये इतना ही टाइट होएगा इतना हाथ का सारा दर्द निकल जाएगा बन भाई। हाँ सेकंड इसके अंदर एक एक्सरसाइज दूसरा है हाथ ऐसे लेने का है आपको ऐसे हाँ खींचने का है बताए ये देखिए खींचिए आप आइए मैडम इधर बाजू आ जाइए मैं आपको बता दूँ आप आइए आप इधर हाँ बैठिए आप आपको नहीं करना पकड़िए ऐसा इसको खींचने का है ये हाथ से हाँ अगर ये नहीं खींच रहा है तो ऐसे लीजिए आया ख्याल में ऐसे दो हाँ हाँ ऐसे या देखो ये देखिए ये देखो अगर जिसको ऐसे नहीं हो रहा है ये भी करेंगे तो भी चलेगा ये देखो मेरा हाथ देख रहे हो खाली फिंगर ही रखने का डॉक्टर चेक करो बराबर कर रहे हैं कि नहीं आप सबको चेक करो ये देखो ये देखिए हाँ उनका चेक कर मनीष आइए आइए बैठिए हाथ को ऐसे लेने का है इसको हाँ ये हाथ को ऐसे रख लेने का है हाँ अब देखो हाँ आया ख्याल में अंडरस्टैंड हाँ हाँ अभी वैसा ही हाँ ऐसा हाँ 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 आया ये पुल हो रहा है ना सर हाँ तो ये होएगा तो ये लूज होएगा देखो अभी लाइट हुआ थोड़ा हाँ ये आप करते रहेंगे जब भी आप बैठे हैं चाहिए आपको इसमें दो टाइप है इस वन ये ऐसे रखिए ये देखिए हाँ चाहिए ऐसे रखिए जितना हाथ पीछे जा रहा है ये देखिए ऐसे रखिए चाहिए नहीं जा रहा है तो ऐसे रखिए टू दिन का हाँ हाँ बस हाँ हाथ को छोड़ दो बस हाँ करिए हाँ अभी लास्ट टाइम पे मैंने एक्सरसाइज बताया था इनका तो किया है वो तो गारंटी है अभी आप लोगों में से किसी ने किया है नहीं किया है तो भी मुझे बोल दो तो मैं दूसरी बताऊँ किया आपने कितना फर्क आया घुटनों में आइए आइए कितना बैठी 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 आराम से बैठी इट्स गुड रिजल्ट नहीं नहीं बोलिए गुड रिजल्ट ऑन दैट नहीं नहीं घुटनों का दर्द में एक्सरसाइज दिखाया करते 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 कितना रिजल्ट आ रहा है
80% is good. माइक शायद चलता नहीं है. हेलो हेलो, चल रहा है? हाँ चल रहा है, जोर से बोलिए जरा. 80% relief is there in घुटनों में. कितना क्या तकलीफ नहीं थी? हाँ पर रिलैक्स. परदेसी साहब, आप मैं तो रोज एक्सरसाइज करते रहता हूँ. तो ये लोग थे, बाकी लोग तो अभी आए नहीं है. ये दो हो गई. अभी मैं आपको इसकी तीसरी एक्सरसाइज बताता हूँ. सबसे एक चेयर और दीजिए. ये देखिए, नीचे बैठना है, पीछे पलंग रखो. हम जो पलंग के ऊपर बैठ रहे हैं, पलंग के ऊपर बैठ रहे हैं, सोफे पे बैठ रहे हैं, उसके सपोर्ट लेके ऐसे बैठ जाइए. पहले बैठने का, हाथ को पीछे लेने का है, तो बस ऐसे बैठ के, बस पूरा आज की सब एक्सरसाइज आ गई. पूरी सब एक्सरसाइज आ गया. दिस इज कॉमन एक्सरसाइज. नहीं आप पैसियल है, टीवी देखते देखते. हाँ ये कॉमन है. आपको पैसियल है. हाँ एक एक जन आइए, देख के जाते हैं किसका कितना जा रहा है. आइए पहले मैम, आप आइए. हाँ भाई लो बैठिए आराम से, बीच में सेंटर में. हाँ पलाठी मार लेंगे तो भी चलेगा, पालती भी ओके, ऐसे भी ओके, जैसे भी रखें. ये देखिए इतना हाथ है, आराम से बैठे. एक कॉमन एक्सरसाइज है. नीचे बैठ सकते कैसे? हाँ नहीं नहीं पलंग ऊपर, पलंग सोफो बारी नी पारी डाइनिंग टेबल गमे ही हो. हाथ पाछळ राखवा माटे गमे ही हो, पाछळ गमे ही हो, आम राखवा माटे हाथमां पलंग छे सोफो छे. आपणे खुर्शी ऊपर बैठा छीए, डाइनिंग टेबल ने पाछळ हाथ राखी देवाना. आव्यो कि नहीं ख्यालमां? हा ડાઇનિંગ ટેબલમાં પાછા કાંઈ નથી, વિન્ડો છે, બારી છે, ગમે એ મળે. હા હા, દો મિનિટ બેઠી. નહીં નહીં દુખશે ને આમાં, ક્યાં દુખે? ના ના નહીં નહીં, ઇઝ એ વેરી સ્ટ્રોંગ. હા એ નહીં નહીં, બહુ સ્ટ્રોંગ છે, ક્યાં દુખશે? બે મિનિટ બેસો, જો ઇસે આપકા જો નહીં 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 વો નહીં કરને કા, વો જનરલ એક્સરસાઇઝ હૈ. યે ટોટલ યે જો એક્સરસાઇઝ હૈ મેરે 40 યર કે એક્સપીરિયન્સ કે ઉપર સે નિકલા હૈ. તો મેને જો જિસ ચીજ સે આપકી સાઇડ ઇફેક્ટ નહીં આયે વો સબ ચીજે આપકો દે રહા હું. और कई सारी एक्सरसाइज है, अभी उनको कराने का होगा. तो ये दिन बाद जिसको प्रॉब्लम शोल्डर है तो वो ऑन द स्पॉट नहीं कर सकता है, पैर उठेगा नहीं, वो चिल्लाएगा, मसल्स टेयर हो जाएंगे. ये देखिए सिंपल बट इफेक्टिव. नहीं नहीं 100% आप बैठेंगे देखेंगे वो ऑन द स्पॉट कितलो दत्ताज ना. ये दो हुआ, अभी तीसरी. तो आप सब लोगों ने अगर इसके ऊपर ज़्यादा आपको एक्सरसाइज चाहिए तो गूगल के ऊपर जाके फ्रोजन शोल्डर टाइप करो, दुनिया भर की मिलेगी. पर ये सबसे खाली मैंने आपको दो बिठा के आपको बताया, एक ये दो तीन एक्सरसाइज. तीन एक्सरसाइज के अंदर से 80-90% फ्रोजन शोल्डर चला जाता है. पर फ्रोजन शोल्डर का ड्यूरेशन है कि आप कितना भी करो, रोज़ ट्रीटमेंट लेने को जाओ कि रोज़ एक्सरसाइज करो कि रोज़ डॉक्टर के पास जाओ,
थ्री मंथ से पहले कभी भी जनरली जाता नहीं है। जो अगर आपको धीरज नहीं है वो 50% पहुंचेगा तब तक जाएगा, फिर वो दूसरा भी वही करेगा उतना ही जाएगा, तीसरा भी करेगा इतना ही जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य है कि जहाँ भी जाओ 3-4 महीना आराम से, हफ्ते में एक बार दो बार जब भी जो बुलाए उसके पास आराम से करने का, छोड़ के नहीं आने का। आप छोड़ के आओगे फिर उसको एकड़ एक शुरू करने का है, आप छोड़ के आओगे एकड़ एक शुरू करने का है उसको। तो जिसके पास में भी जो भी है जो ले रहे हैं ट्रीटमेंट धीरज से, कोई भी थियरी है, क्योंकि उसके अंदर आप यूट्यूब के ऊपर अपना ये गूगल में जाओगे कि फ्रोजन शोल्डर कैसे होता है, क्या होता है, अगर आप इमेज देखेंगे तो अनलिमिट है कितनी उसके अंदर ये सारी ये प्रॉब्लम है। वो कोई खाने का काम नहीं है कि ऐसा कटक दिया और खींच के निकाल दिया, उसमें मसल टेयर हो जाएंगे, लिगामेंट सब फट जाएगा, कितना सारा प्रॉब्लम आएगा। एक्सरसाइज करने का एक और सिंपल एक्सरसाइज बता लेता हूँ, जैसे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस खड़े हैं ऐसे, तो इनके जैसे ही खड़ा रहने का है, मुंह बंद करने का है, हाँ ये 1 2 पर पैर ऐसे आना चाहिए। इस ये भी बहुत पावरफुल एक्सरसाइज और फ्रोजन शोल्डर हाथ के ऊपर, पर मुट्ठी आपकी बंद होनी चाहिए। तो मुट्ठी अगर खुली होगी तो इसका कोई रिजल्ट आपको नहीं आने वाला है। करिए आइए आइए आप आइए, हाँ चलने तकलीफ, हाँ पग फोड़ो पोड़ो करो, हाँ 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 मुट्ठी बंद, आम 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 अंगूठो रखे, हाँ 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 या करो, हाँ देखो नहीं नहीं वो बोले तो क्या होगा, मैंने इसके लिए बोला कि सुभाष चंद्र बोस का जो पोस्टर खड़ा है तो वो ऑन द स्पॉट हर लोग स्टैच्यू देखते हैं ना, तो बहुत जल्दी से पता लग जाता है। नहीं नहीं मैंने इसके लिए बोला है कि जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस जैसे खड़े हैं स्टैच्यू में, जैसे सुभाष चंद्र बोस हमारे खड़े हैं तो क्या ऑन द स्पॉट आपको पता लग जाएगा। आइए आंटी जी आइए आप, नहीं नहीं आइए आइए प्रैक्टिस कीजिए ना, आपको भी करने का, ये वो तो पीछे करते रहते हैं, आप आए तो फायदा उठाइए। हाँ हाँ जितना पैर वाइट कर सको, 1 हाँ ये देखिए मुट्ठी ऐसे बंद, नहीं हाँ देखो हाँ ऐसे, हाँ 1 हाँ आया ख्याल में, ये पूरा ओपन होएगा, हाँ ये डालेंगे तो ओपन होएगा, इसमें से ये खुला रखेंगे तो यहाँ से चलेगा, खुला नहीं रखने का है। और किसको कुछ पूछने का है, एक्सरसाइज कुछ पूछने का है तो पूछ सकते हैं, किस चीज के लिए? दोनों पांव चेंज करना है। हाँ तो दोनों बाजू से और ज्यादा खींचेगा ना, पुल होएगा ना, वन साइड ये होएगा, मेन तो ये पुल होना चाहिए, ये दूसरा ये हाँ। और किसको कुछ सब यही इसमें ही आ गया, हाँ A to Z और अभी नीज के लिए आपको, हाँ नेक इसमें ही आ गया, नेक इसमें ही आ गया, ये अभी टेबल पकड़े आपने, नेक का एक्सरसाइज है, हाथ ऐसे सोफे के पीछे दे दो ऐसे टाइट, किसके भी पीछे, गार्डन में जाते हो बेंच के पीछे दे दो, फिर उसको मूवमेंट करो तो जल्दी होएगा। नहीं 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 उसे कुछ नहीं होता, आइए बैठिए करिए, हाँ पहले विदाउट पुटिंग करो, कैसा लग रहा है, नेक को हिलाओ, हाँ हाँ अभी अब टाइट करो, हाँ मैं कर रहा हूँ, हाँ हाँ अभी करो घूमो, हाँ आया ये जो पीछे ऐसे पड़ा रहेगा हाथ उसके ऊपर, तो आपका जल्दी से नेक मूवमेंट होएगा। तो और पूछिए, अभी नी का चाहिए तो नी का बताओ, ये नी का खाली आपको, नहीं नहीं कोई ने भी आओ वेलकम, मैंने कहीं बांधो ना थी, हाँ नहीं खाली पैर, एक सपोर्ट लेने का है, पैर ऐसे पैर लेने का है, ऐसे रखने का है बस। अभी इसके साथ में एक से लेके 10 गिनने का है, फिर दूसरा पैर उठाने का है, ऐसे रखते जाने का है,
थोड़ा थोड़ा टाइम। अभी आप जैन हो तो आपका नौकर किसी का जो भी आपका भगवान का नाम है वो भगवान का नाम 10 बार लो तो भी चलेगा। ऐसे खाली पैर उठा के रखते जाने। आइए निका, आइए आइए आंटी, आपको निका तकलीफ। कारण ताने उमड़े डे डे ना ये इतरो वाटो वो लिखा है केर वर्ल्ड आको संशोधन किया आऊं समझाइन तो देखा ना वो घर है वनी ने मणि जे घर है हर एक के घर में टोटल लैपटॉप है कंप्यूटर है अपनी मर्जी से देख सकते हो। अभी मैंने बोल दिया कि गूगल में जाके फ्रोजन सोल्डर टाइप करो आपको इतना रीजन मिलेगा इतना कारण दिखाएगा इतनी इमेज दिखाएगा। अगर आपको घुटने की तकलीफ है नी पेन टाइप करो सब आ जाएगा बैक पेन टाइप करो सब आ जाएगा। रीजन है इमोबिलिटी ज्यादा करके है हाँ वो सब सब अलग से इतने आपको इतनी बुक पड़ेगी इतना सारा रीजन देगा तो ये वो सब रीजन बताएगा तो मेन काम का आपका रह जाएगा। इसके लिए मैंने आपको यही अच्छा है एक्चुअल एक्सपेरिमेंट भी है। नहीं वो लास्ट टाइम पे क्या मेरे बहुत काफी फोन आया है उन लोगों ने बोले कि ये सब हम देखते रहते हैं होता कैसा है ये छोड़ो ये कारण बारण छोड़ो आप प्रैक्टिकल हमारे को खाली ट्रीटमेंट बताओ बस हमारे को वो सुनने का नहीं है तो सबका एक ही फोन आते रहते हैं तो इसकी इस टाइम पे मैंने बोल लिया कि नो लेक्चर खाली प्रैक्टिकली इनको बताने का। पूछिए आइए किसको कोई तकलीफ हुई आंटी जी आपको ये बाकी तो कोई नहीं आप ही पहले हैं। अनलिमिटेड कोर्स है मैन तो सबसे पहले तो आप पोस्चर फिर आप हाथ पीछे नहीं लेते हो थर्ड गर्दन का नेक्स है फोर्थ आपको अगर मार लग गया हो फिफ्थ आप वन साइड सोते हो अनलिमिटेड कोर्स है उसका भी तो वही है नेक का मूवमेंट है मेंटल स्ट्रेस है सोने का नहीं है कितने दुनिया भर की है वो उसमें मत जाओ अब काम की बात में आओ निकालना कैसा इधर वो आप गूगल में चले जाओ ना वो गूगल में हाँ तो सब मिल जाएगा। आप इतनी जाड़ी बुक चाहिए तो इतनी जाड़ी बुक बना सकते हो कोर्स की। सबका मेन रीजन लाइफस्टाइल है। नहीं लाइफस्टाइल किसको बोलेंगे तो खराब लगता है पोस्चर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए जो खड़े हैं ये शोल्डर से हम देख लेने का मिरर के सामने कौन सा बाजू नीचे आ रहा है कौन सा ऊपर आ रहा है जो बाजू नीचे आ रही है और जो बाजू ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है वो बाजू खुला हुआ है नीचे का बाजू जो जा रही है वो दबा हुआ है। हर एक को अपने आप को मिरर में देख लेने का है कि पोस्चर से आपको पता लग जाएगा। तो ईच एंड एवरी डिसीज जो होती है और नो क्योरेबल जो क्योर नहीं होती है उसका कारण है पोस्चर। तो ये पहला इक्वल का तो ये दे दिया ना आपको शोल्डर का फिर हाथ रखने का दो दे दिया मेन मेन तीसरा ये पैर यहाँ से खोलने का ये दे दिया आपको ये बस ये तीन तो जॉइंट के ऊपर खराब होता है ये वन ये मूवेबल जॉइंट है ये डिसलोकेटेड हो जाता है एक बाजू से ये इधर से हाथ है एक बाजू से ये अलग है एक ये हो जाता है अलग होता है। तो ये सब तीनों आपको पोस्चर सीधा रखने के लिए एक्सरसाइज बता दिए मैंने। और पूछिए और मेन तो क्या है मसल्स है। अभी हर एक की अपनी अपनी मान्यता है हर एक की अपनी अपनी मान्यता है और आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते कि सत्य है कि हम सत्य है कि वो गलत है कि वो राइट है। बेसिकली देखा जाए तो मेरी लाइफ में मैंने इतने पेशेंट दिखे कि गिनना भी छोड़ो आप और 10 में से 5-6 लोग 7 लोग तो मानते हैं क्योंकि वो सब जगह थक के हार के आते हैं कंटाल जाते हैं फिर कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है उनको बोलते हैं कि आप अगर 40 क्रॉस कर चुके हो आपकी लेस ऑफ शुगर शुगर लेस हो रही है तो सुबह उठ के पहले चाय पीने का। चाय कैसी ब्लैक टी लो दूध और शक्कर ऊपर से लेके ये लेके खाली वॉक लेने को जाओ साथ में थोड़ा सा नाश्ता उसके बाद एक्सरसाइज करो
तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो 10 में से 5 से 6 जन करते हैं, बाद में बोलते हैं कि डॉक्टर अभी सब बैलेंस बैलेंस सब कंट्रोल आ गई, और जो नहीं करते हैं वो मेरे छोड़ के दूसरे को पकड़ते हैं, दूसरे को छोड़ के तीसरे को पकड़ते हैं, और आफ्टर ऑल सुबह की बाई आती है, रात की बाई आती है, उसमें चले जाते हैं। नहीं आया ख्याल में, 12 घंटे की ब्यूरो की बाई आती है और 12 घंटे का सारा रात को आती है, फिर अभी नहीं समझे वो काम नहीं करने, फिर कहाँ से इनका पोस्चर, ये मोबाइल हो गया। हाँ, फिर तो पूरा ही ऐसे होएगा ना, मसल ढीला ही होते जाएगा। तो 40 के बाद में देखो रिलीजियंस की मानता है, हर एक रिलीजियंस वाला मेरे ऊपर बोल देगा कि हमारे धर्म के ऊपर यही है, पर ऐसा है कि शरीर का जो खुराक है मसल्स में आपको खाना चाहिए। आपका मसल्स स्ट्रांग है और आप भूखे मरो, ये मरो, सब मरो, तो ठीक है, पर जिसके मसल्स नहीं है, वीक है, सब जगह पेन हो रहा है, पेन की वजह ही दूसरी कुछ नहीं है, खाली एक ही वजह है कि दो हड्डियों के बीच में नस दब रही है, वो मसल जो पकड़ के रखना चाहिए वो पकड़ नहीं सकता है, इसके लिए आपको पेन हो रहा है। पेन की व्याख्या ही कोई नहीं है दूसरी। एक पेन होता है मार लगता है, तो ऑन द स्पॉट मुंह लगाया, इंजेक्शन लिया, ठीक हो गया। और जब ये पेन होता है घुटनों का, ये सब, इसमें क्या होता है, जो मसल्स पकड़ के सकते हैं कि ताकत नहीं है, इसके लिए ये सब दर्द होता है। हाथ का दर्द है, पैरों का दर्द है, कमर का दर्द है। अभी कई लोग है वेट लॉस करते हैं, उसके बाद सबको कमर का दर्द आता है। तो कई लोग बोलते हैं कि ओवर वेट से कमर का दर्द होता है, पर हकीकत क्या है कि ये सब चीज़ें हर एक पेशेंट टू पेशेंट ये डिफरेंट है, चेंज है, पर एक ही है कि आप अगर सुबह उठ के चाय पियो तो इतना मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि क्योंकि मैंने स्टडी, आई एम स्टडिंग इन पारसी पीपल एंड क्रिश्चियन पीपल एंड ब्रिटिश पीपल, उनको मैंने अनबैलेंसिंग 80-85 तक देखा नहीं है, बिकॉज ऑफ रूटो वो पहले खा के बैठ जाते हैं। क्रिश्चियन, पारसी और ब्रिटिश पीपल, वो तीनों की लाइफ स्टाइल मैंने देख रहा हूँ। पेन है घुटनों का, मगर उनकी बैलेंस, ये वो मसल्स उनके किसके भी वीक नहीं है। मैं 85-90 तक के आदमियों को 1-1 सेशन में खड़ा करके आ जाता हूँ। मेरे एक हमारे कच्ची पेशेंट थे, इधर रिज रोड के ऊपर रहते थे, आए तभी चल नहीं सकते थे, ऐसे हाल थे मेरे दवाखाने में। मैंने 1 सेशन के अंदर उनको खड़ा कर दिया, बोलते आई एम 85। बोले यू आर 85 इज राइट, योर मसल इज द ओनली 40-45-50, क्योंकि जो मैंने प्रेशर दिया उसको करके निकाल के मसल्स को रिलैक्स किया, ऑन द स्पॉट खड़े हो गए। वो बोलते हैं कि आई एम सरप्राइज। तो एज जो आप बोल रहे हैं फैक्टर, वो एज फैक्टर नहीं है, मसल्स में ताकत होनी चाहिए। मसल का टोन खाना सादा, नहीं सादा खाना, पर टाइम पे खाना। दुनिया पूरी बोलती है, हमारे हिंदुस्तान में बॉम्बे में सब लोग वैद्य लोग बोलते हैं कि मैदा खराब है, खराब है, खराब है, पॉसिबल है खराब है, हम बेस नहीं करते, पर दुनिया पूरी मैदे पे ही जी रही है। वो बोलते हैं चावल खराब है, खराब है, खराब है, मानते हैं खराब है। आप बोलो अभी वर्ल्ड में कितने लोग चावल के ऊपर घूम रहे हैं, वर्ल्ड कितना चावल पे है, सब लोग बोलता है कि वड़ा पाव खराब है, खराब है, खराब है। ये मजदूर लोग तो 24 घंटा तो, वो बोलते हैं चाय खराब है, खराब है, मानते हैं हम, वो तो सारा दिन चाय और वड़ा पाव के ऊपर जी रहे हैं, उसको क्यों तकलीफ नहीं होती है। हर एक की अपनी अपनी मान्यता है। अगर सिक्के की दूसरी बाजू देखने को गए तो कोई चीज खराब ही नहीं है। एटी फाइव तक हम लोग देखते हैं कई लोगों के मसल्स, ये हाथ गाड़ी जो खींच रहे हैं, हैं ऐसे फटाक से उठा लेते हैं 85 तक, क्यों उनको कभी कमर नहीं खींच रही है, कुछ भी नहीं खींच रही। तो ये मसल्स ऐसा है, जितना उसको सही तरह से, एक बात है कि जब अज्ञानी रहता है तब भगवान काम करता है, इंसान जब अज्ञानी रहता है तब भगवान काम करता है, और जब ज्ञानी रहता है, जब इंसान ज्ञानी हो जाता है तब शैतान काम करता है।
मजूर को कैसे बैठना उठना करना कोई सिखाता नहीं है, पोस्टर सीधा रहे, ऑटोमेटिक अपने आप ही हो जाता है। रात को कैसे भी सो जाता है, वो बोलता है कि ऐसे हाथ नहीं सोने का, वो बोलता है ऐसा नहीं। पर बेसिकली हम देखें तो जिसको मसल जैसे रिलैक्स होएगा भगवान करने का, वैसे ही नींद आती है। तो हम ज्ञानी लोग बोलते हैं कि नहीं तुमने ऐसे सोया इसके लिए कमर आ गया, वो बोलेगा ऐसा बैठा इसलिए आ गया, वैसा नहीं है। हमारे एक हाथ से ऐसे बैठे हैं, पैर अकड़ गया तो ऑन द स्पॉट दूसरा पैर आ जाता है। इट्स लाइक दैट ईश्वर जो भगवान है, ये ऐसे बैठे हैं कंटालने आया, ऑटोमेटिक दूसरा पैर ऐसे आ जाता है। इस भगवान सो ये सब चीजें हैं। और किसको कुछ पूछने का है तो बोलिए। सर ये जो आपने एक्सरसाइज बताए वन टू और वो हाथ रखने वाली, तो वो नॉर्मल इंसान भी कर सकते हैं? बस नॉर्मल के लोगों के लिए बताया जिसकी साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ बाकी का तो देख के, अगर आप एज ए पेशेंट है तो देख के ही बताया जाता है, क्योंकि आपका मूवमेंट नहीं जा रहा है और ऑन द स्पॉट में फ्रोजन शोल्डर में उठा दूंगा तो मसल टेयर हो जाएंगे। तो ये जो एक्सरसाइज बताई नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल एक्सरसाइज करो तो ये तीन से आपको घुटना कमर ये सब चीजें हैं, ये पेन नहीं आएगा। और कहिए किसको? आंटी जी बोलिए, आपको तो बहुत ज्यादा सवाल अंदर से घूम रहे हैं। हाँ हाँ इस कमर लाइक दैट, हाथ ऐसे लेने का है, देख लिया सबने, देख लिया मेरा हाथ कैसा है? हाँ हाँ, ये ऐसा सपोर्ट लेने का है, एक मिनट, ये ऐसा सपोर्ट लेने का है दीवार को, किसी भी चेयर में आस्ते करके झुकना है और झुकने के टाइम मुंह खुला रखने का है। करिए बाहर निकाल, करिए करिए, आप पकड़िए, आप थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे आइए, हाँ थोड़ा आगे और आगे आइए, आप आगे आ जाइए, कॉर्नर पे बैठिए, कॉर्नर पे बैठिए, आगे बैठिए थोड़ा, हाँ 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 सोना तो जागर, हाँ ऐसे, हाँ करिए, रखिए मैं देख रहा हूँ, हाँ इसको टाइट पकड़िए, पैर ऐसे और आगे लीजिए और आगे, वाह हाँ वन, नहीं मैं करा रहा हूँ, हाँ नहीं मैं करा रहा हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव, हाँ कराऊँ कर रहा हूँ, सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तमें आवी जाओ, अँ तमें अँ आवी जाओ, बताओ देखो हुआ कमर फ्री, बैक फ्री हुआ? हाँ थोड़ा आगे बैसो, पग खुला करो, लंबा करो, हाँ 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 चल से आचे रूप ना हो, हाँ हाँ वन, हाँ पग मोड़ू खोलो, पग दबा भी दो, इतना ब्रीदिंग एयर निकले, वन टू थ्री नहीं सबका लगता है, फाइव सिक्स सेवन वन एट नाइन टेन, जोयू थी फ्री, हाँ आओ आंटी आओ, आई जाओ, नहीं नहीं आइए आई जाओ, लाभ उपाड़ो हम जो आम नहीं आम रखो जो हाथ, हाँ हाँ पग आम तो फेफड़ा खुलेगा ना, सब लंग्स के अंदर टॉक्सिन्स हो गए वो बाहर निकलेंगे, ये देखो वाह हो गया
जो अभी देखो आराम मिला कमर में, तो ये कमर में आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो, जब भी आपको चांस है आओ आओ आ जाओ आओ। नहीं नहीं इसमें तो सपोर्ट देके फैटी आदमी कोई भी करे ना, आस्ते आस्ते झुकने का है ना, ये सब यंग है ना, इज नो ओल्ड एज ना, हाँ इसलिए पास थोड़ा आगे आगे हाँ हाँ करो हाँ हाँ राइट या हाँ हाँ हाथ ऐसे पीछे हाँ वन टू આવો કરાવું છું બા આવી જાઓ વાંધો નથી આવો આવો બા આવી જાઓ હું કરાવું છું જરા ખુશી કાઢતો આવી જાઓ આવી જાઓ વાંધો નથી એમાં શું છે લાભ લઈ લેવાનો બેસો હા 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 હાથમાં ને આમ વન પાછો ઉપર ગયા ટુ પલંગના કોર્નર ઉપર બેસી જવાનું મોટું ખુલ્લું રાખજો પલંગનો કોર્નર હોય ને સાઈડમાં હા 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 નહીં બાર મોટું ખુલ્લું રાખજો બહુ બહાર ના આવશે ને ચેર આ છે સરકવાનું હોય ને હા લો ના બેસો કરો ટુ થ્રી ફાઈવ સિક્સ સેવન હા ખુલ્લો હા એટ નાઇન બસ જ્યારે ભી હે અભી ચેર કે ઉપર અભી યે યહી હાં જી સર એક મિનિટ અભી ભાઈ હવે જે ફીલિંગ કેમ લાગ્યું બા હા બસ સારું લાગે છે બધી હેલો વૈશાહી સેમ એ દેખ લીજીએ ઇધર આપ કેસે કર સકતે બસ સપોર્ટ હા આપ આ જાઓ કોઈ ભી કરો આ જાઓ એક જણ કરો દેખો બેક નેક સબ કુછ કમ 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 દેખીએ હા ઇધર બાજુ ખડી રહેજો ઇસકે ઉપર હા તો સબકો દિખેગા હા હા આગે લે હા બસ ઝુકો હા હા પૂરા પૂરા ઉપર જાઓ હા હા જાઓ હા મોનોક્યુલર રાખો સર આમાં બી એક્ઝેલ કરવાની બધામાં બહાર જ કાઢું છે અંદર નથી રાખવાનું અંદરમાંથી બહાર કાઢું છે હા પાછળ સપોર્ટ લેવાનો કોઈ બી ચીજનો સપોર્ટ બેક સપોર્ટ જરૂરી એટલે આ દીવાર છે આ છે કાંઈ બી કોઈ બી ચીજનો સપોર્ટ લઈને કરો એટલે મસલ્સ ખેંચાય નહીં આમ કરશો તો મસલ્સ ખેંચાઈ જશે એટલે પેઇન આવશે હા આઈએ કિસકો ઓર આઈએ આજે આજે આપ આઈએ 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 આપ આ જઈએ યુ કમ થોડોક આગળ થોડોક આગળ ઉપર હા થોડોક હા હવે અને ટેકી લો હા હવે આસ્તે આસ્તે હા આમ હાથ લેવા દબાવી લો આપ આસ્તે આસ્તે નીચે જાઓ વન ટુ હા બસ બહાર જ બહાર જ શ્વાસ મોટું ખુલ્લું જ રાખવાનું ઓટોમેટિક પોતાની મેળે બહાર નીકળશે જબી બી ફુરસત મિલે તબી આ બધા બેક માટે તમને છે ઇઝ ફિટ અંકલ કેમ લાગ્યું ઘણું ઘૂંટણ ઘૂંટણ ઘણું ફ્રી થયા ને બધું
જાવો આ કાઢું છે હાલ નીકળી બાંધકામ ઉતારું છે આ ઉતારું છે શરીર હા ના લાગી રહ્યાનું એટલે બધું નીકળશે આમાંથી 80% સ્ટમક પતલા થવા માટે યા 80% રોજના 150-200 થવા જોઈએ નહીં નહીં આ તો 10 કર્યા વળી ઊભો રહે ચાલ્યા વળી 10 કર્યા કિચનના પ્લેટફોર્મમાં ઉપર ઉપર રાખી ગયા વઘાર રાખે ઊભા રહી ગયા ચા ચા ચડતી હોય ઉબળકો આવ્યો એટલે ત્યાં ઊભા રહ્યા 10 થયા નહીં 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 ખોટું 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 કરો છો ખોટું કરો છો હા હવે આમ નહીં ત્યાં ઊભા રહો તમે હા હવે હા હજી આગળ આવો આગળ આવો હા હવે આસ્તે આસ્તે હા વાળો બસ બસ આટલો જ વાળો હા હવે ઠીક છે આવ્યો ને ખ્યાલમાં તમારે પાછળ સપોર્ટ લેવાનો દીવાલનો આવ્યો ને ખ્યાલમાં હા જવા દો નીચે સુધી વાંધો નથી નીચે સુધી જવા દો હાથ નહીં વાંધો નથી જવા દો નીચે સુધી જેટલું જાય એટલું હા આસ્તે આસ્તે જવા દો નીચે સુધી નીચે જેટલું જાય એટલું વાંધો નથી નહીં તમે પ્રેક્ટિકલ કરશો તમને ખબર પડશે ને આમાં શરમ જ નથી કરવાનું જો હા બસ હવે જો ચાલો કેટલું ફરક કમરમાં કેટલું જોઈ લો એટલે જે કમર ગરદન આ બધા કહે ને કે ઘૂંટણા આ બધા દર્દ તો અમારી પાસે જ્યારે પેશન્ટ આવે ત્યારે અમે ખાલી એની વાતો સાંભળતા હોઈએ કે હમ લોગ સુનતે હૈ તો ઉનકો લગતા હૈ કે સબ લોકો બોલતા હૈ ડોક્ટર દેખતા નહીં હૈ બહુ બડી બીમારી હૈ ઘૂંટના કા એ મેરા એક્સરે એ મેરા એમઆરઆઈ એ સબ રિપોર્ટ ફલાના ઢીકરા ફિર કુછ ભી નહીં બોલતે હૈ ખાલી બોલતે હૈ કે આપ ડોક્ટર બાદ મેં ઉસકો ખાલી બોલતે ઠીક હૈ ખાલી પેર રખ તો રિસન્ટ અભી એ સન્ડે કો ઇતની સારી હિસ્ટ્રી બતા રહા થા મેં સુન રહા થા ડોક્ટર કો બતા રહા થા વો આદમી ગઢવી કરકે થા ઇતની હિસ્ટ્રી બતા રહા થા મેં એસા હી ખાલી બેઠા થા બતા ઠીક હૈ તો એક 10 મિનિટ મેં ખાલી ઉસકો બોલા એ પેર રખો એસા ઓર બાત કરો ના એસા દો બાજુ સે કરતે ગયા બાત કર બાત કરતે ગયા બોલતા હૈ કે મેજિક હો ગયા મેરા ઘૂંટના ઇતના ચડા ગયા અભી વો સેમિનાર રખા હૈ ડોક્ટર કા બોલા હૈ ક્યા ઉસમે તુમ જો બોલ વો બોલતા હૈ ઇતને સારે ડોક્ટર કે પાસ જા કે આયા તો હર એક ચીજ મેં આપકો સર્જરી કી જરૂરત નહીં હૈ હર એક ચીજ મેં મેડિસિન કી ભી જરૂરત નહીં હૈ ઓર સિમ્પલ એક્સરસાઇઝ હે આપ સિમ્પલ એક્સરસાઇઝ શરૂ કરો પણ એક હી હૈ ઇસકે અંદર જો કોઈ ભી માસ્ટર હોય ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ હૈ એ હૈ ઉનકે ગાઈડન્સ મેં જાકે એક્સરસાઇઝ ક્યા તો મચ બેટર રહેતા હૈ બાકી આપ ગાર્ડન મેં કોઈ ચલા રહા હૈ બાપા ઓર આપ ક્યા તો ફિર આપકે ઉપર આપ સમજ મેં આયા કે નહીં આયા જીસકો શરીર કા જ્ઞાન હો ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ હૈ ડોક્ટર હૈ વો એક્સરસાઇઝ અગર કરા રહા હૈ કહીં ભી તો આપ કરેંગે તો નો લોસ બાકી કોઈ ભી સોશિયલ વર્કર હો કે એસા કરા રહા હૈ તો ફિર આગે મેં નહીં બોલ સકતા મેરે સાથ એક મેરે ડોક્ટર ચલે થે પીછે બેઠે હૈ ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ હૈ મેં પરિચય કરાતા હું આઈએ વાઘમારે સાહેબ તો સબ બોલ રહે થે ઉન્હોને તો બહુ બડે બડે ડોક્ટર્સ બડે બડે સબ ઘૂમ કે આયે હૈ બેઠીએ એ મિસ્ટર એ મેરે આસિસ્ટન્ટ હૈ દૂસરી હૈ સબ લોગ હૈ તો ઇનકો મેને ગાર્ડન મેં બોલા મેં બોલા કુછ નહીં આપ ચૂપચાપ બેઠ જાના એક્સરસાઇઝ કેસે કરતે દેખ લેના તો બેચારે એક સેવાભાવી આદમી થે સબ એક્સરસાઇઝ કરા રહે થે તો મેં ઉનકો પૂછતે ગયા બોલા સર ક્યા હુઆ બોલતા એ કરને સે એ ગયા એ કરને સે એ ગયા એ કરને સે એ ગયા क्योंकि आपका पोस्चर कैसा है उसके हिसाब से एक्सरसाइज डिसाइड होता है तो वो जो दिखा रहे थे वो होड़ी चलाओ जाज चलाओ ओंकार चलाओ ये चलाओ वो सब सुन रहे थे मैं बोला बैठे देखते रहने का आप चुप बैठे आंख बंद करके बैठे रहने का देखने तब वो मुझे बोलता है तो हम ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकते हैं सब लोग बोलते हैं कि डॉक्टर ने खराब किया है એક વાત સમજને કે જૈસી હૈ જિસને 4 સાલ ઇતના પઢાઓ ઓર રોંગ જાતા હૈ તો કેસે એક્સેપ્ટ કરેગા 5 સાલ પઢાઈ
तो डॉक्टर खराब नहीं करता है, डॉक्टर कोई भी एक खराब नहीं होता है, हमारी धीरज और हमारा पोस्चर। जिसके अभी एक आदमी है जिसका मसल्स होएगा तो मैं हम लोग वन सेशन में खड़ा कर देते हैं, उतनी एज का ही वही आदमी है जिसके मसल्स नहीं है तो हमारे को भी 6 महीना 12 महीना लगता है। तो मेनली देखा जाए तो पूरा जो रीजन है खाली मसल्स के ऊपर खड़ी है, तो आपकी कैपेसिटी इसके ऊपर सबके ऊपर है। आप लोग सब लोग आए सुने, मैं सब लोगों का आभार धन्यवाद और मेरे